हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर। तो आप लोगों का पढ़ाई अभी कैसा चल रहा है? उम्मीद हम करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई ठीक चल रहा होगा और हमेशा चलता रहे, यही हम भगवान से कामना भी करते हैं। तो आज आपको हम गजब का एक ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। आज की ट्रिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कभी मत भूलिए, कभी नहीं भूलिएगा, समझ रहे हैं ना। कभी आप भूल भी नहीं पाइएगा, भूल चाह कर भी आप नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट का मतलब कमेंट आता रहता है कि सर ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला इतना ज्यादा है कि फॉर्मूला याद ही नहीं होता है, एक फॉर्मूला याद करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग मेरा जो भी सेशन है वो कंटिन्यू करते रहिए, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं होगा, आपका खुद ब खुद याद हो जाएगा, आप चाह के भी नहीं भूल पाइएगा फॉर्मूला को। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपना सेशन की तरफ। तो पिछला सेशन में हम आपको बताए हुए थे कि भाई कुछ मेन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, कुछ उल्टा होता है। हम बोले हुए थे एक सांस में आपको बोल देना है साइन कॉस टैन, क्या बोल देना है साइन कॉस टैन, एक बार में बोल देना है साइन कॉस टैन, क्या होता है साइन कॉस टैन। और दूसरा सांस में दूसरा बार में बोल देना है क्या चीज बोले थे कि कॉट सेक कॉस, क्या बोलिएगा कॉट सेक कॉस, कोई ना कोई एंगल रहना चाहिए तो हम लोग थीटा एंगल लेके चले हैं, क्या लेके चले हैं थीटा एंगल लेके चले हैं। तो कोई आपसे पूछेगा साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए, किसका साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, पहले एक बार देख लीजिए ना, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच और टैन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, टैन थीटा का फॉर्मूला कितना पी बाई बी, समझ में आ रहा है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, देखिए साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट उल्टा क्या होगा एच बाई पी, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा एच बाई पी, क्या होगा कोसेक का एच बाई पी। फिर कॉस, कॉस का क्या होगा बी बाई एच, कॉस का क्या होगा बी बाई एच। फिर सेक का क्या होगा एच बाई बी, सेक का क्या होगा एच बाई बी। एंड टैन का पी बाई बी होता है, तो कोट का उल्टा हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, समझ रहे। अब कहिएगा कि सर इसको कैसे याद रखे, कैसे दिमाग में रखे यह फॉर्मूला हमेशा याद रहे, तो आइए हम आपको समझाते हैं, एक ट्रिक समझाते हैं। देखिए इसमें दो ट्रिक है, देखिए हिंदी मीडियम वाला इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लंब बटे कर्व, बोल सकते हैं ना, हिंदी मीडियम वाला इसे बोलेगा लंब बटे कर्व, और यहाँ पे क्या बोलता कर्ण बटे कितना बोलता है लंब, समझ में आ रहा है ना। इसको क्या बोलता आधार कॉस थीटा बराबर क्या बोलता आधार बटे कर्ण, बोलते कि नहीं। तो इसी तरह से सबको लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब समझिएगा ध्यान दीजिएगा। इसमें दो ट्रिक है, एक हिंदी मीडियम वाला के लिए और एक इंग्लिश मीडियम वाला के लिए। देखिए हम आपको बताते हैं ट्रिक, ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर जो फर्स्ट होगा यह होगा फॉर इंग्लिश मीडियम, फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए, समझ रहे हैं ना। देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए क्या ट्रिक होता है जो आपको हम बताते हैं, सिर्फ एक बात को आप जानते हैं कि साइन कॉस टेन अगर जो याद रहेगा तो ए भी याद हो जाएगा, सिर्फ हमको जरूरत है याद करने का साइन कॉस टेन, हमको क्या जरूरत है याद करने का साइन कॉस टेन, हमको क्या जरूरत है याद करने का साइन कॉस टैन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या होता है जो समझिए, कहिएगा सर क्या लिखते हैं समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझिएगा समझ में आएगा आपको। देखिए हम आपको बोलने का सीख लीजिए, देखिए पी बी पी एच एच बी, कहिएगा ये सब क्या होता है जो आप समझिए, इसको ऐसे याद रखना है P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलेगा पंडित बद्री प्रसाद, नीचा H से हर, H से हर और B से बोध, है ना, यहाँ पे बोलेगा पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलेगा पंडित बद्री प्रसाद, नीचा बोलेगा हर हर बोल, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलेगा पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, बोलिए तो दो चार बार बोलिए, अब भी मेरे साथ बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, फिर एक बार देख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कहिएगा कि सर ये क्या बोल बोल कर रहे हैं आप, तो देखिए समझिएगा बहुत ही अच्छा ट्रिक है। पी बाई एच किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का। पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। बी बाई एच किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा का। अब पी बाई बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन थीटा का। कितना आसान है, आप लोग सोचते हो क्या ट्रिक सर बोल रहे हैं। अब ट्रिक को समझ गए तो जिंदगी में कभी भी आप भूल नहीं पाइएगा, आपको ये तो याद रहेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो बोल क्या है, तो पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टैन थीटा। आ जैसे ही इसको उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा जैसे मतलब ये चीज ऊपर लिख लीजिएगा हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, है ना, तो उल्टा ही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आपको इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको दिमाग में रखिएगा साइन कॉस टैन के। तो ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, किसके लिए, इंग्लिश वाला के लिए। अब ट्रिक नंबर हम लोग चलेंगे, ट्रिक नंबर चलेंगे सेकंड। क्या चलेंगे, ट्रिक नंबर चलेंगे सेकंड। सेकंड में हम लोग बोलेंगे क्या, पाकिस्तान, पाकिस्तान, है ना। देखिए देखिए एक मिनट और, इसको ट्रिक नंबर सेकंड के आधार पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे जो समझिए, एल ए एल, एल ए एल बाय के ए ए, है ना। देखिए हम बोले हिंदी मीडियम वाला के लिए क्या बोलिएगा जो समझ लीजिए, लाल, क्या बोलिएगा, लाल बाय काका, लाल बाय काका, काका, लाल बाय काका, क्या बोलिएगा, लाल बाय काका। देखिए ट्रिक है, ट्रिक में कुछ गलत अर्थ निकालने का कोई जरूरत नहीं है आपको। देखिए ट्रिक इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट के मेमोरी में सेट हो जाए, समझ जाए। और सेट इस तरह से देखिए, कोई भी चीज को आप देखिएगा कि अगर जो किताबी चीज को ज्यादा याद कीजिएगा तो आपसे याद नहीं हो पाएगा, बट उसी को अगर हम लोग अपना बोल चाल के भाषा में जो हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं उस भाषा में अगर जो उसको समझाया जाए, उस भाषा में उसको याद कर लिया जाए तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। इसीलिए क्या होता है, ट्रिक में कुछ ऐसा लैंग्वेज यूज किया जाता है जो हमेशा बोल चाल की भाषा में प्रयोग होता हो। तो देखिए ना, लाल भाई काका किसको यूज नहीं होता होगा, हमेशा आदमी यूज करता है काका काका, लाल लाल बोलते रहता है ना। यहाँ पे याद किसको नहीं होगा, लाल भाई काका, लाल भाई काका, लाल भाई काका। तो भाई लाल भाई काका मतलब एल से लंग, देखिए हम आपको यहाँ पे बोल देते, एल से क्या हो जाएगा, लंग हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा आपको, आधार हो जाएगा, और के से आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एल से लंग हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा। एल से लंग हो जाएगा, ए से लंग हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आपको याद रखना है एल बाई के, क्या याद रखना है, एल बाई के लंग बटा कर्ण, एल बाई के लंग बटा कर्ण, एल बाई के लंग बटा कर्ण, लंग बटा कर्ण किसका, साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण किसका, साइन थीटा का, आधार बटे कर्ण, ए बाई के आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का, और लंब बटे आधार किसका हो जाएगा, टैन थीटा का, किसका बताएगा, टेन थीटा का। इंग्लिश मीडियम वाला के लिए एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, अगर जो नहीं भी याद रहेगा इसको एक बार और हम आपको बता देते हैं, पाकिस्तान भूखा फरा, है ना। देखते हैं पाकिस्तान में भुखमरी ज्यादा रहता है ना, पाकिस्तान में क्या होता है कि हर चीज महंगाई ज्यादा रहता है, टमाटर वहां पे 100 रुपए किलो बिकता रहता है और यहाँ पे टमाटर वैसे ही सड़ता रहता है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है जो समझिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा मतलब पाकिस्तान में भुखमरी है तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, और हिंदुस्तान हरा भरा, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, अभी से भरा, है ना। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, दोनों में से कोई आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस दोनों ट्रिक से आपको याद रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह फॉर्मूला याद हो गया होगा, आपको यह ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह ट्रिक आपको अच्छा लगा है या आपको समझ में अच्छा से आ गया है तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए,
और आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी प्रकार से कोई भी वीडियो अगर बनाते रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। धन्यवाद।